नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज 27 जुलाई 2019 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक परीक्षा की काउंसलिंग 6 से 9 अगस्त तक होगी। आरपीएससी अजमेर विश्वविद्यालय में पीजी प्रथम सेमेस्टर की प्रथम अस्थायी प्रवेश सूची ऑनलाइन जारी। व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, परीक्षा परिणामों ने छात्र नेताओं का डुबोया राजनीतिक करियर। कोटा विश्वविद्यालय में शहीदों के परिजनों को न्यूनतम प्रतिशत पर प्रवेश देने की मांग। जोधपुर रेलवे में पद 1.30 लाख, आवेदन मिले 3 करोड़। कोटा एएन मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। अजमेर में 9 से 11 अक्टूबर तक होगी परीक्षा। आरपीएससी अजमेर ना शिक्षक ना संसाधन, कस्बों में खोल दिए कॉलेज। कोटा 82,000 युवाओं को अगस्त से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। चांदना जयपुर अब IIMU देगा ड्यूल डिग्री, सप्लाई चेन में मास्टर डिग्री। उदयपुर कलेक्टरों और शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा निदेशक ने दिए निर्देश, कहा अत्यधिक बारिश में खुद ले निर्णय। जोधपुर MA व MCOM में सेमेस्टर के स्थान पर वार्षिक पद्धति। बालोतरा राजस्थान में 5 साल तक नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक। जयपुर स्कूली जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का कैलेंडर तय। चित्तौड़गढ़ CSAB काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग आज तक। कोटा जर्जर भवनों में स्कूल नहीं चलाने के आदेश, जबकि संभाग के 789 स्कूल जर्जर भवनों में। उदयपुर उच्च शिक्षा में अब एक साथ 2 डिग्री की अनुमति पर विचार। चित्तौड़गढ़ निरीक्षण में गप मारते मिले शिक्षक, कक्षाओं में शोरगुल कर रहे थे बच्चे। झालावाड़ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर प्रेस विज्ञप्ति। CBO के आदेश, फीस बकाया हो तो भी TC नहीं रोके, विरोध पर आदेश निरस्त। मुंडवा 1 लाख से विद्यार्थियों को मिलेगी कैरियर गाइडेंस की जानकारी। हनुमानगढ़ तबीयत बिगड़ी, जांच करने पहुंची RNT की टीम, लिखित आश्वासन पर छात्राओं ने भूख हड़ताल तोड़ी। सुकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर प्रेस विज्ञप्ति। प्रतिनियुक्त पर चल रहे शिक्षकों को नहीं मिलेगा जुलाई माह से वेतन। सवाई माधोपुर सहसे खिलवाड़, दूध गर्म होने के बाद गाढ़ा पड़ा तो भी पिलाया, 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। सेकेंड ग्रेड टीचर्स को HM पद पर प्रमोशन का इंतजार। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर कॉलेजों में विशेषज्ञ से रूबरू कराने के लिए अब लेनी होगी अनुमति। 12 स्कूल के चावल में फिर मिली ईलियां, आंगनबाड़ी केंद्र में मिले 29 में से 8 बच्चे। रावत भाटा अब स्कूलों में संगीत डांस व खेल कूद प्रतियोगिताओं के बीच लगेंगे टीके, ताकि इंजेक्शन के डर से बच्चों का ध्यान बांटा जा सके। स्कूलों के खेल मैदानों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश, शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधरेगी। टोंक नीट ऑल इंडिया कोटे की 2,653 में से 1,120 सीटें स्टेट को सरेंडर। कोटा कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर विज्ञप्ति। राजस्थान में 5 साल तक नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक। घर या कोचिंग में पढ़ाने के लिए शिक्षक को लेनी होगी संस्था प्रदान से स्वीकृति। जोधपुर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल प्रवेश प्रारंभ। मॉडल स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में विकसित करे ADM उदयपुर। स्वच्छता के लिए खोला जा सकता है अलग स्कूल। जांच पूरी होने से पहले कुलपतियों को हटाने का पावर होगा सरकार को। जयपुर सहायक कृषि अधिकारी भर्ती में प्रार्थियों को करे शामिल जयपुर हाईकोर्ट। धौलपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र छात्राओं के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाएं 2019-20। धौलपुर 12 से 17 वर्ष की आयु के लोगों की फेसबुक में दिलचस्पी घटी, लेकिन 45 से अधिक उम्र के बीच ज्यादा पॉपुलर। मदरसा शिक्षा सहयोगी ने कारगिल विजय दिवस मनाकर अपनी मांगों पर प्रदर्शन किया। बूंदी शिक्षिका ने अव्यवस्था पर सवाल किया तो PTI ने मारने को उठाया हाथ, कलेक्टर ने बिठाई जांच। धौलपुर 900 पशु चिकित्सकों के पद भरने की प्रक्रिया शीघ्र
लालचंद कटारिया जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में ब्याज के पैसों से चमकानी थी नई लाइब्रेरी, काम अटका तो सरकार ने मांगे ब्याज के 5 करोड़। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। स्कूल में कोई भी शिक्षक झगड़ा तो पूरा स्टाफ होगा हटेगा धौलपुर। पीजी में प्रवेश तिथि 30 तक बढ़ाई महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर। विद्यार्थियों की प्रतियोगिता के लिए प्राचार्यों की बैठक आयोजित अजमेर। बोर्ड बदलने पर लगेगा 5,000 अतिरिक्त शुल्क अलवर। राज्य में चल रहे कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार शीघ्र ही कानून लाएगी डोटासरा जयपुर। फार्मासिस्टों की राज्य सरकार ने ही तय नहीं की कोई वृद्धि, फिर नोटिस क्यों मिल रहे हैं अजमेर। रिजल्ट से संतुष्ट नहीं तो परीक्षार्थियों को 3 बार मौका देगा CBSE जयपुर। इंजीनियरिंग की डिग्री वाले नहीं बन सकते जूनियर इंजीनियरिंग, कोर्ट का आदेश। प्रदेश के वंचित 661 पंचायतों में अब खुलेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। प्री डीएलएड की काउंसलिंग के लिए जोड़े नए 21 संस्थान जयपुर। 12,145 स्कूलों के भवन खाली, काम में आ रहे सिर्फ 1,322 ही जयपुर। नए विद्यार्थियों की मदद के बहाने वोट बैंक साधने में जुटे छात्र नेता जयपुर। तो दोस्तों, इतिहास के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।